हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हरलीन और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे एंजल मैसेजेस जिसके थ्रू आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो आज हम बात करेंगे नंबर्स 1 to 9, उनके लिए मैसेज लेकर आए हैं एंजल्स जो है मीडियमशिप एंजल मैसेज। आपके और गॉड के बीच में जो मैसेंजर्स हैं दे आर एंजल्स, हमारे और गॉड के बीच में जो कम्युनिकेटर्स हैं दे आर एंजल्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टॉकिंग टू हेवन कार्ड्स, कैसे आप अपने यूनिवर्स से, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जो लोग हैं जो हेवन में हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ चल रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं उनसे तो आप पूछ सकते हैं। और अभी मैं बताऊंगी 1 to 9 नंबर्स के बारे में, उनके मीडियमशिप आंसर्स। आप अपने मन में क्वेश्चंस पूछिए जो भी आप पूछना चाहते हैं। जिनका नंबर 1 है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग 1 नंबर लेंगे वो, एंड ऐसे ही 9 नंबर्स कैलकुलेट करेंगे आप लोग। मैंने जैसे बताया था 21 है तो इट्स 3, 2 + 1 = 3। ऐसे ही आप नंबर्स को प्लस करके जो सिंगल नंबर आएगा यू विल टेक दैट नंबर, वो आपका लकी नंबर है, दैट्स योर बर्थ नंबर। तो उसको यूज़ करना है आपको अभी। तो आप जो भी भगवान को मानते हैं, जिन भी डाइटी को, गॉड को मानते हैं, आप किसी भी रिलीजन से हैं, आपको उनको याद करना है। उनको याद करके, उनको ध्यान करके आप अपने मन में एक क्वेश्चन पूछिए, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, और उसका आंसर आपको अभी मिलेगा फॉर योर नंबर। तो अपने नंबर्स को नोट कीजिए, अपने नंबर्स पे ध्यान दीजिए, जो भी आपका नंबर है वो आपका मैसेज होगा। अपने मन में क्वेश्चंस पूछना है आपको, और ये टॉकिंग टू हेवन एंजल कार्ड्स हैं जो ये आपको हेवन से आंसर्स देंगे। आज आपको यूनिवर्सल आंसर देंगे, जो एक रास्ता है हेवन की तरफ जाने का, जहाँ वहाँ पे जो प्योर सोल्स हैं, प्योर एंजल्स हैं, दे विल आंसर यू, दे विल गाइड यू। तो सबसे पहले हम प्रे करेंगे, अपने एंजल्स को याद करेंगे, अपने भगवान को याद करेंगे, और उनको याद करके हम अपने मन में ये बोलेंगे कि हमको आंसर दो। आप अपना जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उस क्वेश्चन को पूछ के आप अपना आंसर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर वन के लिए क्या है मैसेज, कैसे हम बात कर रहे हैं आज हेवन में जो एंजल्स है उनसे। टॉकिंग टू हेवन मैसेजेस मैं ले रही हूँ। नंबर वन के लिए जो मैसेज आया है उनके लिए मैसेज है इट वॉज माई टाइम टू गो। मैसेजेस आप अपने नोट कर सकते हैं, ये पूरा हफ्ता आपको मैसेज देंगे, पूरा वीक एंजल्स आपको इसके थ्रू मैसेज देते रहेंगे इस वीक। तो सबसे पहला वन नंबर के लिए जो मैसेज है, दे आर सेइंग आई नो दैट इट फील्स लाइक अ ड्रीम यू कांट वेक अप फ्रॉम। आपके लिए एक ऐसी अंदर में ऐसी कुछ चीज़ है जिसके से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो एंजल्स वो बोल रहे हैं कि अब वो आपको इस चीज़ से बाहर निकालेंगे और आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएंगे। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन था कि ग्रोथ नहीं हो रही है या मैं इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो उसके लिए वो आपकी हेल्प करेंगे एंजल्स इस हफ्ते। तो आपके लिए ये जो मैसेज है, यू कैन राइट दिस मैसेज, आपको ये पूरा हफ्ता हेल्प करते रहेंगे एंजल्स। एंड दे आर सेइंग इट्स टू अमेजिंग टू बिलीव बट इट्स अ लाइफ फोर्स एनर्जी जो आपको हेल्प करेगी ग्रोथ के लिए। सो दिस विल बी अ वेरी गुड स्टेप, बहुत बड़ा स्टेप रहेगा आपके लिए इस हफ्ते कि आप अपनी पुरानी चीज़ों से निकल कर नई चीज़ों की तरफ जाएंगे और ग्रोथ की तरफ आप मूव करेंगे। तो ये मैसेज था हमारा नंबर वन के लिए। टॉकिंग टू हेवन एंजल कार्ड्स जो हैं वो आपको कनेक्ट करते हैं आपके यूनिवर्सल गाइड्स के थ्रू, आपके जो यूनिवर्स में जो गाइड हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसी शक्ति है आपके आसपास जो आपकी हेल्प कर रही है। तो यूनिवर्स में जो हमारे पास्ट फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या आपके गाइड्स हो सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं।
तो आज हम मैसेजेस ले रहे हैं उनसे, अपने एसेंडेड पास्ट फैमिली मेंबर्स से जो नहीं है इस दुनिया में, तो वो आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत हेल्प करते हैं, आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं हेवन से, यूनिवर्स से। तो अभी मैं बात करती हूँ नंबर 2 के लिए, इवन जिनका नंबर 20 है, 1+1=11 भी है, तो उसके लिए आप सिर्फ अपना सिंगल डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, फर्स्ट नंबर जो है आपका डेट, उसको देखकर कैलकुलेट करना है। तो सेकंड नंबर की हम बात करते हैं, उनके लिए मैसेज आया है, वी आर सोलमेट्स, आपके लिए मैसेज दिया है हेवन से कि वो आपकी हेल्प करेंगे, दे आर हेल्पिंग यू, कोई ना कोई ऐसा सोलमेट है आपका हेवन में जो आपकी मदद कर रहा है। तो ये मैसेज आप नोट कीजिए एंड आप गाइडेंस देखते जाइए, आप देखते रहेंगे कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा उनसे, बिकॉज़ ये वीक पॉजिटिव है फॉर साइकिक एनर्जीज़ जो आप यूनिवर्स से ले रहे हैं। यूनिवर्स में जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो पास्ट फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो कॉन्स्टिलेशन में जो पास्ट 7 जनरेशन के जो मेंबर्स वहाँ पर हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उनसे मैसेज मिलेगा। तो वहाँ पर आपका कोई ना कोई सोलमेट है जो आपकी हेल्प करेगा। सो दे आर सेइंग कि आप हमसे कनेक्ट करिए, कम्युनिकेट करिए, एंड सेम सोलमेट ग्रुप है, जैसे कि आपको जो जो चीज़ें पसंद है वो सब उनको पसंद होंगी, तो आप इस हफ्ते वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है। आप वो सब चीज़ें अपनी आसपास रख सकते हैं, आप खाने में वो सब चीज़ें खा सकते हैं, सो दैट आप उनको अच्छा फील करवाएं और वो आपके साथ है। कोई भी प्रॉब्लम है आपको इस हफ्ते, आप उनको याद करेंगे और आपको हेल्प मिलेगी उनसे, डिवाइन गाइडेंस मिलेगी ज़रूर, बिकॉज दे आर सेइंग दैट दे आर योर सोलमेट्स, वहाँ पर हैं आपके कम्युनिकेटर्स। नंबर 3 के लिए हम बात कर रहे हैं आज, टॉकिंग टू हेवन मैसेजेस ले रहे हैं एंजल्स के थ्रू। थर्ड नंबर इज नंबर 3, नंबर 3 के लिए हम बात करते हैं, उनके लिए एक मैसेज आया है, एंजल्स ने एक मैसेज दिया है, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। तो आपको अपने मन में कोई भी गिल्ट नहीं रखना है, अपने मन में कुछ भी ऐसी चीज़ लेकर नहीं आनी है कि हमारी गलती थी, हमने कुछ गलत किया, वो आपकी फॉल्ट नहीं है। एंजल्स ने ये मैसेज दिया एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज, बिकॉज मन में अगर कोई भी गिल्ट है, कोई ट्रॉमा है, कोई बात है किसी चीज़ को लेके कि आपने किसी के साथ गलत किया है या कहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए था मुझे, तो उसका जो मैसेज है इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। तो एंजल्स हेल्प करेंगे आपको प्रोटेक्ट करने में, आपको पॉजिटिव करने में। सो नंबर 3 के लिए ये गाइडेंस आया है एंड दीज कार्ड्स आर टॉकिंग टू हेवन। तो आज आप अपने यूनिवर्स में बात कर रहे हैं, हमारे जो पास्ट फैमिली मेंबर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, हम उनको याद करके मैसेज ले रहे हैं, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप इस दुनिया में नहीं हैं, आपके पास्ट एसेंडेंट्स जिनको आपने नहीं देखा, वो आपके एंजल्स हो सकते हैं, वो आपकी बहुत बार मदद करते हैं अनइंटेंशनली, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको कई बार डिवाइन हेल्प मिलती है तो वो हेल्प करते हैं आपकी। सो आज हम उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 4, नंबर 4 के लिए ये वीक कैसा रहेगा और क्या कहते हैं आपके पास्ट एसेंडेंट मास्टर्स, जो आपके डाइटीज़ भी हो सकते हैं, आपके गार्जियन एंजल्स भी हो सकते हैं, तो उनकी बात करते हैं। दे आर सेइंग इट इज़ ब्यूटिफुल वेयर आई एम। तो जो ये मैसेज है नंबर 4 के लिए, दे आर सेइंग कि डोंट वरी, यहाँ पर हम हैं और बिल्कुल खुश हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। तो आप उनको खुश करने के लिए अपने आसपास अच्छी चीज़ें रख सकते हैं, आप फ्लावर्स रख सकते हैं, आप ब्यूटिफुल अरोमास यूज़ कर सकते हैं, आप सेंट यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को आपको अच्छा रखना है ताकि वहाँ पर आप उनको कम्युनिकेट कर सकें और वहाँ पर जो हमारे एसेंडेंट मास्टर्स हैं उनको भी अच्छा फील करवा सकें। तो ये कार्ड जो हमारा 4 नंबर के लिए आया है, दे आर वेरी हैप्पी इन हेवन। तो आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे इस हफ्ते, वो बहुत हैप्पीनेस आपको देंगे, हैप्पी ब्लेसिंग्स देंगे, हैप्पी शावर्स देंगे आपके एंजल्स जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो इस वक्त हेवन में हैं।
अब हम बात करते हैं नंबर 5 की. 5 नंबर के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं आपके लिए आपके असेंडेड मास्टर्स. नंबर फाइव के लिए जो मैसेज है असेंडेड मास्टर्स आपके लिए जो मैसेज लेकर आए हैं, वी आर टॉकिंग विद हेवन. हम कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त एंजल्स के साथ अपने आप को उस जगह पर जहाँ पर हमारे असेंडेड मास्टर्स हैं, जहाँ पर आपके पास्ट फैमिली मेम्बर्स हैं, मे बी जिनको आप नहीं जानते, आपके 7 लाइफ पास्ट फैमिली मेम्बर्स हैं. तो उनके लिए मैसेज आया है नंबर 5 के लिए, आई एम लर्निंग ओवर हेयर. एंड दे आर सेइंग कि वो इस वक्त आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी लाइफ में न्यू होगा और एक तरह से एक स्टडी के तौर पर रहेगा. तो जो लोग पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जो लोग आगे फर्दर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में एंजल्स लेकर आएंगे लर्निंग, एक लर्निंग स्टेप होगा उनके लिए. एंड दे आर सेइंग कि वहाँ पर वो भी कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो उनका रह गया था इस लाइफ में. तो दीज मैसेजेस आर कनेक्शन. आप अपने और अपने असेंडेड मास्टर्स के साथ कनेक्शन फॉर्म करेंगे, जिनको हम बोलते हैं आपके जो पितृ हैं, आपके असेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, पास्ट फैमिली मेम्बर्स जो इस दुनिया में नहीं हैं. तो हम 7 लाइव्स को देखते हैं, 7 जनरेशन्स को देखते हैं. उनमें से आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कुछ ऐसे सोल हैं जो आपके बहुत क्लोज हैं और जो आपकी हेल्प करते हैं. कई बार वो आपकी हेल्प करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे ये आपका काम हो गया. किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो सेव हो गए, उसे कुछ भी नहीं हुआ. तो कई बार ऐसी स्टोरीज़ देखने को आई हैं कि उनके आसपास कुछ एंजल्स देखे गए हैं, कुछ फिगर्स देखी गई हैं, कोई लाइट देखी गई है. तो वो आपके असेंडेड मास्टर्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं. तो आज हम उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं. हम टॉकिंग टू हेवन कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, एंजल कार्ड्स, और इनके थ्रू आज मैं आपको मैसेजेस दे रही हूँ. क्या मैसेज दे रहे हैं वो आपको, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं नंबर 6, जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 है. टोटल नंबर 6 आएगा, 24 इज ऑल्सो नंबर 6. ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे. द नंबर फॉर 6, द मैसेज फॉर नंबर 6 इज दिस. वो मैसेज दे रहे हैं, यू हैव नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट. आपको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं करना है कि आपने गलत किया है. आपको अपने मन में गिल्टी नहीं लेकर आनी है किसी भी चीज़ के लिए कि हम ये नहीं कर पाए या ऐसा नहीं कर पाए या मैंने ऐसा कुछ गलत किया. वो आपके लिए मैसेज दे रहे हैं. मे बी 6 नंबर वालों के लिए कुछ ऐसी वाइब्रेशंस आ रही होंगी इंटरनल माइंड में, मन में, कि वो कुछ अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं. तो एंजल्स के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, आप अपने पास्ट फैमिली मेम्बर्स को याद करेंगे, आप उनको ध्यान करके उनके बारे में सोच के मैसेज लेंगे. ये जो ये मैसेज आया है, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये मैसेज आपको हेल्प करेगा इस पूरे हफ्ते हील करने के लिए, ये इमोशन हील करने के लिए, आपका हार्ट चक्रा हील करने के लिए. अब हम बात करते हैं नंबर 7, द नेक्स्ट नंबर इज नंबर 7, टॉकिंग टू हेवन कार्ड्स क्या मैसेज लेकर आए हैं वो बात करते हैं. The message is now I have no pain. Angels आपके जो heaven में हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, आप उनको जानते हैं या नहीं जानते, but they are your ascended masters. वो आपके जो 7 life, 7 generation में जो family चलती है, उनमें से हम अपने angels से बात कर रहे हैं. तो वो मैसेज लेकर है, नाउ आई हैव नो पेन. तो वो सोल 7 नंबर वालों के लिए कह रही है कि उनको कोई पेन नहीं है, दे आर एट पीस नाउ. तो जब एक सोल आपको एक मैसेज देती है दैट यू दे आर नॉट इन पेन नाउ, तो आपको भी वो हेल्प करेंगे. बिकॉज इफ दे आर फीलिंग गुड, इफ दे आर फीलिंग पॉजिटिव, तो यू विल ऑल्सो फील पॉजिटिव. तो आपके लिए एक मैसेज लेकर आए हैं वो. तो आप भी किसी पेन में हैं, अगर किसी को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी भी तरह के पेन में हैं, तो आप उस पेन से रिलीफ आपको मिलेगा. बिकॉज एंजल्स आर सेइंग दैट दे आर इन नो पेन नाउ. अगर वो खुश हैं वहाँ, आपके असेंडेड मास्टर्स वहाँ पर हैप्पी हैं, दे आर ओके देयर, जहाँ भी हैं वो, जिस भी डाइवर्सिटी में हैं,
तो आपको भी वैसा ही वाइब्रेशंस मिलेंगी बिकॉज दे आर शॉवरिंग देयर ब्लेसिंग्स ऑन योर बॉडी. तो जो जो मैसेज आ रहा है, जो वो कह रहे हैं, वैसा ही आपके साथ होता है. तो इफ़ दे आर सेइंग दे आर हैप्पी, देन यू विल ऑल्सो फील हैप्पी बिकॉज दे विल शॉवर देयर ब्लेसिंग्स ऑन यू. तो अब हम बात करते हैं नंबर 8 की. नंबर 8 के लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं हमारे हेवन एंजल गॉड्स. दे आर सेइंग आई एम जस्ट अ थॉट अवे. ये मैसेज आया है बिकॉज आज वो आपको एक हफ्ते के लिए एक ऐसा चांस दे रहे हैं कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उनसे. तो उन्होंने आपके लिए ये बोला है कि आपके सिर्फ एक थॉट से दूर हैं वो. आप उनको याद कीजिए, आप उनको ध्यान कीजिए, आप उनसे जो भी मांगना चाहते हैं आप अपने असेंडेड मास्टर्स को बोलेंगे, वो वैसा ही करेंगे. तो 8 नंबर के लिए हम नंबर्स के अकॉर्डिंग इसीलिए देख रहे हैं सो दैट जिनका जो नंबर है वो उस मैसेज को लेकर अप्लाई करेंगे पूरा हफ्ते. तो ये जो मैसेज है दिस इज़ फॉर 8. आई एम जस्ट अ थॉट अवे. आप सिर्फ एक बार याद कीजिए एंड दे विल हेल्प यू. योर एंजल्स विल हेल्प यू जो हेवन में हैं इस वक्त. वो आपके आसपास हैं, दे आर सर्विंग यू. आपके आसपास वो एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एनर्जीज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट दे आर नॉट विद यू फिजिकली. जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं वो इस वक्त हेवन में हैं, तो वो मैसेज दे रहे हैं. तो दिस मैसेज वॉज फॉर नंबर 8. अब हम बात करते हैं नंबर 9 की. आज हम टॉकिंग टू हेवन यूज़ कर रहे हैं. एंजल कार्ड्स टॉकिंग टू हेवन. आप अपने हेवन में जो आपके पास्ट मेंबर्स हैं उनसे मैसेज ले रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे. आप अपने नंबर को देखिए, डेट ऑफ बर्थ को देखिए, उस नंबर का मैसेज आपको लेना है. अब हम बात करते हैं लास्ट नंबर 9 नंबर की. नंबर 9 क्या कह रहा है नंबर 9 आपके लिए इस हफ्ते क्या लेकर आया है. I have become one of your guides. तो आज वो आपको मैसेज दे रहे हैं, जो एंजल्स हैं उन्होंने ये आपके लिए मैसेज दिया है नंबर 9 के लिए कि वो आपके गाइड हैं. आपके पास्ट फैमिली मेम्बर में से कोई एक ऐसा मेम्बर है जो आपको हेल्प करेगा, आपको हमेशा गाइड करेगा. आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में हैं, अगर आप कभी दूर हैं अपने घर से, किसी भी चीज़ में आप स्टक हो जाते हैं, तो आप आँख बंद करके अपने गाइड को याद कीजिए, जिनको आप नहीं जानते बट ही इज़ विद यू. तो वो सोल आपके साथ है. आप आँख बंद करेंगे और ऐसा बोलेंगे कि एंजल्स, माई गार्जियन एंजल्स, माई गाइड्स इन हेवन, प्लीज़ हेल्प मी. आप मुझे सिचुएशन से बाहर निकालिए. कोई भी कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, कुछ भी है, बिकॉज उन्होंने मैसेज दिया आई हैव बिकम वन ऑफ योर गाइड्स. ये था हमारा आज टॉकिंग टू एंजल्स, टॉकिंग टू हेवन, एंजल मैसेजेस 1 to 9 नंबर के लिए. मैंने आपको एक अपने एपिसोड में बताया था एंजल्स क्या होते हैं और क्या है गार्जियन एंजल्स, क्या है आर्क एंजल्स. तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आज आपको फिर से बताऊंगी सो दैट यू कैन ईजिली कम्युनिकेट विद योर एंजल्स. गार्जियन एंजल्स हैं आपके आसपास. जब भी कोई पैदा होता है उसके आसपास दो एंजल्स होते हैं, और जो लोग स्पिरिचुअल में हैं, जो लोग प्रेयर्स करते हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनके आसपास बहुत सारे एंजल्स हैं. तो जो दो एंजल्स हैं दे आर योर गार्जियन एंजल्स, जो आपको गार्ड कर रहे हैं, हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे, जो आपको बोलेंगे कि आप सही रास्ते पे हैं, नहीं आप ऐसा मत करो. तो ये आपके गार्जियन एंजल्स हैं. और आर्क एंजल्स हैं जो आपके गार्जियन एंजल्स को भी गाइड कर रहे हैं. आर्क एंजल्स आर डिवाइन एंजल्स, जो सबसे ऊपर है हायरार्की में, जो आपके गार्जियन एंजल्स को, जो एंजल्स को गाइड करते हैं. तो आप अपने आर्क एंजल्स को याद करेंगे. देर आर 15 आर्क एंजल्स. मेरे पास्ट एपिसोड्स में 15 आर्क एंजल्स के बारे में भी मैंने बताया था, और आगे भी मैं बताऊंगी कि 15 आर्क एंजल्स क्या करते हैं, क्या क्या वर्क है उनका. बट अभी आपको आज से इस हफ्ते पूरा हफ्ता आपको मैसेज जो मिल रहा है आपके गार्जियन एंजल्स से, वो आपको लेना है. आपके गार्जियन एंजल्स जो हैं वो आर्क एंजल्स भी हो सकते हैं, जो 15 आर्क एंजल्स हैं. आपके पास्ट फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं. आपके फ्रेंड्स हैं जो, दे आर अर्थ एंजल्स बिकॉज दे आर हेल्पिंग यू. कई बार ऐसा होता है कि आपके फ्रेंड्स आपकी मदद कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि हर बार जब भी मैं प्रॉब्लम में हूँ तो ये इंसान क्यों आता है मेरी मदद करने के लिए, बिकॉज दैट सोल इज़ योर अर्थ एंजल. तो अर्थ एंजल्स होते हैं जो सबकी मदद करते हैं, या स्पेशली वो आपकी हेल्प कर रहे हैं. दैट मीन्स उनकी सोल आपकी सोल से कनेक्टेड है.
फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, तो वो आपके लिए गार्जियन एंजल हैं। बट गार्जियन एंजल्स आपके पास्ट फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था इस लाइफ में, और जिनको आपने नहीं देखा, जिन सोल को आप नहीं जानते, जो एसेंडेड मास्टर्स हैं, जिनको आपने कभी नहीं देखा, वो सेवन जनरेशन है जिनको आप नहीं मिले, तब भी वो आपके साथ हैं, तब भी वो आपके गार्जियन एंजल हैं। तो कई बार ऐसा होता है, किसी के ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हमेशा ड्रीम्स में आई हैं, या कोई प्रॉब्लम आई है लाइफ में, उसी वक्त उनको ऐसा लगा कि वो है, वो सोल है साथ जो हेल्प कर रही है। तो दैट्स एसेंडेड मास्टर्स, जो पितृ हैं वो हेल्प करते हैं। तो आपको उनको सिर्फ याद करना है, जो नंबर्स का मैंने मैसेज दिया है उस मैसेज को आप फॉलो करिए, उस मैसेज को आप लिख लो अपने आसपास, वो आपकी हेल्प करते रहेंगे इस पूरे हफ्ते। तो ये वीक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे हेल्प लेने के लिए, बिकॉज दे आर देयर टू हेल्प यू। वो ऐसा नहीं है कि अगर आप उनसे कुछ कहेंगे तो उनकी सोल डिस्टर्ब होगी या आप उनसे हेल्प नहीं ले सकते। दे आर योर एंजल्स, आपके आसपास हैं, वो आपसे कनेक्टेड हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं और आप उनसे हेल्प लीजिए। तो अपना जो मैसेज है वो मन में रखना है आपको, बिकॉज दीज मैसेजेस आर दोज मैसेजेस जिनसे आप कनेक्शन फॉर्म कर सकते हैं उनके साथ बहुत जल्दी। बिकॉज जो लोग मेडिटेशन में नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करते हैं, उनको बहुत ईजी हो जाता है अगर एक मैसेज मिल जाए एंजल से, उस मैसेज के थ्रू आप पूरा वीक उस पाथ पे चल सकते हैं। तो आज हमने बात की थी टॉकिंग टू हेवन एंजल्स की, एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल एंजल कार्ड्स जो डोरिन वर्च्यू के हैं। टॉकिंग टू हेवन, ये हमें कनेक्ट करते हैं हेवन से, ये हमें कनेक्ट करते हैं हमारे असेंडेड मास्टर्स के साथ। ऐसे ही मैं बहुत सारे एंजल मैसेजेस लेकर आऊँगी बाकी अपने एपिसोड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, एंड मेरा हीलिंग प्रणाम।